हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो एनसीईआरटी की इस कंप्लीट सीरीज़ में क्लास 8th की शुरुआत अब हो गई है। जी हाँ, अब तक क्लास 7th के एनसीईआरटीज़ को हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर रहे थे। क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है, ये आपको थोड़ा सा एक ब्रॉड नॉलेज, एक ब्रॉड एस्पेक्ट प्रोवाइड करेगी रिलेटेड विद सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ब्रॉड हैं ये, मतलब इन द सेंस कि एकदम आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, या रिसोर्स का एक्चुअल यूज़ क्या है, और फिर धीरे से वो आपको उसके कंजर्वेशन की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। चैप्टर नंबर 1 से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और थोड़ा समझ में भी आएगा। और आप देखेंगे कि डे टू डे जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं उसी से ही इसका कुछ कनेक्शन है, और आगे प्रिपरेशन में ये डेफिनेटली इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी चीज़ें। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, और जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ज्योग्राफी अपडेट्स। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अन अकेडमी पर जो है आप सब्सक्रिप्शन लेकर SDYT10 इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ में जो है UPSC की तैयारी भी आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं। नए प्राइसेस जो है वो चेंज होने वाले हैं 28th ऑफ अगस्त से जो है, उसके पहले आप इन प्राइसेस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं SDYT10। अन अकेडमी पर आपको जो है बुक्स भी मिल रही हैं नोट्स के फॉर्म में, और 25 अगस्त से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जी हाँ, तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। 2 ईयर बैचेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो बात करेंगे हम रिसोर्सेस। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, इसको ज़रा आप थोड़ा ऑब्जर्व करें। यदि मतलब नॉर्मली यदि हम समझें तो ये क्या है आपके नॉर्मल हमारे जीवन में, भाई ये तो क्या है, अक्सर संसाधन है। ठीक है, रिसोर्सेज यदि हम बात करें तो, लेकिन जब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो दो शब्द निकल के आते हैं। मतलब एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में कुछ थोड़ी सी स्टोरी दी हुई है, बट आफ्टर ऑल आप ये दो वर्ड्स पे आते हैं, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। मतलब क्या है कि कोई चीज़ है, बेसिक चीज़, मान लीजिए कि कोई एक एक बुक है, अब वो आपके लिए क्या है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने के साथ वो आपके यूज़ में आ रही है। ठीक है, और उसका कुछ वैल्यू है। ठीक है, मतलब जनरली आप जिसको कह सकते हो कि कुछ यदि वो पैटर्न को या कोई एक तरह से आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही है, तो आपको आप कहेंगे कि यार ये मेरे लिए रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स या संसाधन वो चीज़ होती है जिसको आप यूज़ कर सकें, जो आपके नॉर्मल जीवन में वैल्यू ऐड कर सकें, वैल्यू जिसका मतलब वर्थ हो, मतलब वो चीज़। ठीक है, जिसकी कोई उपयोगिता हो। ओके, तो वैल्यू किसी भी प्रकार की हो सकती है, मतलब इकोनॉमिक भी हो सकती है। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक नहीं हो सकती, कोई लर्निंग के बेस पे हो सकती है। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें, मतलब कोई चीज़ जिसका कोई इस्तेमाल कर सके और जिसका कोई उपयोग हो। जी हाँ, जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू का एडिशन दे रही हो, दैट इज़ द रिसोर्स। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक मेटल है। ठीक है, मेटल का अपना खुद का एक खनिज जो है, जी हाँ, एक धातु है जिसको आप कह सकते हो, उसका अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू है। सर, इकोनॉमिक वैल्यू क्या कह सकते हैं कि भाई इसका कहीं इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी हाँ, कोई उसको ट्रेडिंग लेवल पे जा रहा है, कोई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, तो ये अपने आप में एक वैल्यू हो गई वो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी खुद की एक जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, जिसका इस्तेमाल किया जा सके, जिसका कोई उपयोगिता हो, उसको हम रिसोर्स संसाधन कहते हैं। ठीक है, एक शब्द का इस्तेमाल भी किया हुआ है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका आप ये कह सकते हैं कि उस पर सिर्फ आपका अधिकार यदि होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको पेटेंट कराना होता है। मतलब कोई भी आपका आइडिया हो, कोई इन्वेंशन हो, तो उस पर आपका यदि खुद का राइट चाहिए तो उसको हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द हिंदी में भी उन्होंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो ऐसे कुछ शब्दों का पहले तो उन्होंने डिफाइन करना चाहा है कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, अब जैसे रिसोर्स किसी भी चीज़ का, मतलब नॉर्मल एक फैमिली का मेंबर भी है और वो आपके लिए उपयोगिता है, तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है ना। मतलब हर प्रकार के उन्होंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब ये जो नीड है वो टाइम के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार धीरे धीरे बदलती जा रही है। मतलब क्या कि वो डिपेंड कर रहा है एक नीड के ऊपर। आज हो सकता है कि वही मोबाइल फ़ोन जो आज से 5 साल पहले था, वो एक्चुअल में अब फिलहाल यदि आप अपग्रेड हो गए टेक्नोलॉजी टाइम के अनुसार, तो एक्चुअल में वो आपके लिए वो रिसोर्स उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। तो रिसोर्स का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या कितना आपके लिए इंपॉर्टेंस है, या कितनी वैल्यूबल रिसोर्स है, वो डिपेंड करता है कई बार टाइम टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
नॉर्मली आप जिसको आप कह सकते हो कि रिसोर्स जो है कोई लिमिटेड नहीं, इनका क्रिएशन भी किया जा सकता है। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का अपना आइडिया है, उसका अपना नॉलेज है, उसके इन्वेंशन है, उसकी डिस्कवरीज जो कि और रिसोर्सेस को क्रिएट करने में, जैसे अभी मोबाइल फोन का हमने एग्जाम्पल लिया, तब भी वो एक रिसोर्स था, आज भी एक रिसोर्स है, लेकिन ये आज का जो रिसोर्स है वो और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा जो है उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, और ज़्यादा उसकी यूजेबिलिटी बढ़ रही है, जी हाँ, तो वो रिसोर्स उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल हो गया। सबके पर्सपेक्टिव के अनुसार वो कुछ बातें ध्यान रखनी होगी आपको कि क्या कितना क्या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ें तो नॉर्मल सी बात है, यदि ये चीज़ को यदि हम लोग देखें तो हर डिस्कवरी, हर इन्वेंशन नो डाउट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को दिखाता है। अब सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, तो वो हर चीज़ को अपग्रेड करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो आपको बताना है, तो वो एक नॉर्मल वाटर था, एक रिसोर्स है, वाटर भी रिसोर्स था, उससे आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, तो रिसोर्सेज के फॉर्म भी बदले जा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल वो किस लेवल पे आपको यूज़ करना है, क्या डिमांड है, क्या नीड है, क्या आपने इसमें स्किल लगाया, क्या टेक्नोलॉजी लगाया, इन पर चीज़ों पर निर्भर रहेगा। नॉर्मल सी यदि हम बात करें तो रिसोर्स के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, सही है, प्राकृतिक संसाधन अपने अलग हैं, नेचुरल। और अब जैसे प्राकृतिक में क्या है भाई, मुझे सनलाइट मिल रहा है, दिस इज़ द नेचुरल रिसोर्स, मुझे कोयला मिल रहा है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। बट दोनों में यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर कोयला जल्दी खत्म हो सकता है, अनवीनीकरण की तरफ है, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल हो गया। सूर्य क्या है, सनलाइट अपने आप में एक रिन्यूएबल फीचर की तरफ, जो कि डेली ऊर्जा बन सकती है। विंड एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल फीचर की तरफ, तो एक नवीनीकरण भी हो सकता है और एक अनवीनीकरण, मतलब क्या, जिसका फिर से निर्माण किया जा सकता है और जिसका दोबारा इतनी जल्दी निर्माण नहीं हो सकता, यूज़ करने पर जो एंड हो रहा है, जिसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ठीक है। अब मैंने कहा फॉसिल फ्यूल्स, जी हाँ, उसके बाद में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई मिनरल्स कह दिए कि भैया आयरन, कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन रिन्यूएबल फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है, मतलब कि ये अनवीनीकरण, इनको दोबारा अभी एकदम से इतना जल्दी निर्माण नहीं हो सकता इस ह्यूमन साइकिल के अकॉर्डिंग। तो नेचुरल रिसोर्स को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो कि कंटिन्यू चले आ रहे हैं और कुछ जो खत्म से हो रहे हैं, तो रिन्यूएबल रिन्यू हो जाए और जो रिन्यू ना हो, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब कई बार मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफिकेशन अपने स्किल के लेवल पर, खुद भी ह्यूमंस का होना एक रिसोर्स है। क्यों कहते हैं कि भारत जो है आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन उतना ही अपना आइडिया, स्किल, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगी और जो उस नेचुरल रिसोर्स को अपने लिए और कन्वर्ट करके एक नए पैटर्न पर और भी यूजेबिलिटी और उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगी। तो एक ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स हो सकता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स आफ्टर ऑल यही सब चीज़ का एंड है कि आप जो रिसोर्स नेचर ने आज आपको दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं, वो आगे की जनरेशन के लिए सिर्फ एकमात्र ड्राइंग नहीं रहे कि सिर्फ एक अक्षर और एक डायग्राम बनाए जा रहे हैं कि ये तो रिसोर्स थे, नहीं सर, सस्टेनेबल, धारणीय, जनरली जिसको आप कह सकते हैं कि आगे तक, आगे की जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, वो कुछ ऐसे रिसोर्स भी उसमें आएंगे। अब सही बात है, वही मैं आपसे कह रहा था कि जो नेचर से आए हो आप, हवा मतलब सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेक्स वगैरह जो भी चीज़ आपको दिखाई दे, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ नेचुरल रिसोर्स। बट इनमें क्या है, मतलब एक तरह से जनरली एनसीईआरटी तो इसको ये कह रही है भाई ये तो एक तरह से अपने लिए गिफ्ट की तरह है। रिन्यूएबल मतलब जो कि आप रेप्लिनिश्ड क्यूकली, मतलब तुरंत आपको मिल जाए दोबारा, ठीक है। आप कितने ह्यूमन एक्ट कितना यूज़ कर लो भाई, सोलर पैनल लगा लिया आपने, तो ये तो नहीं कहोगे कि सोलर एनर्जी जो है खत्म हो गई, मतलब सूर्य अब जो है कल सूर्य ऊर्जा नहीं देगा, आज ही देगा, नहीं सर, मतलब आप जनरली आप कह सकते हो कि नो डाउट आप उसका इस्तेमाल करने पर वो खत्म नहीं हो रही, बट सही बात है केयरलेस यूज़ नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में लिमिट है, मतलब अति जो है वो फिर सही कहते हैं ना कि मतलब अति ज़्यादा से ही हर जगह जो है सही नहीं होती है, तो वही बात है कि केयरलेस यूज़ जो है कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स के जैसे पानी हुआ, सॉइल हुआ, ये डेफिनेटली उसके स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी सर, ठीक है। अब जिसको आप कह सकते हैं कि इनका शॉर्टेज होना, इनका ड्राई होना, ये नेचुरल ऐसा रिसोर्स है जो कि आप ये कह सकते हो कि समस्याएं, जैसे वाटर को हम बोल जाते हैं कि भाई पानी तो जो है एक तरह से अनलिमिटेड रिन्यू हो सकता है, ओशन का वाटर है ये, लेकिन एक्चुअल में इनके शॉर्टेज ड्राइंग होती है, यदि इसका केयरलेस यदि यूज़ किया तो इसके इश्यूज आपको क्रिएट मतलब देखने को मिलेंगे। नॉन रिन्यूएबल जिसका लिमिटेड स्टॉक हो, एग्जॉस्ट हो सके, जो जल्दी हो जाए, मतलब जैसे नो डाउट हम कोयला वगैरह का, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब उसके एग्जांपल्स थे, ठीक है। इसके बाद में
नेचुरल रिसोर्स कैसे होंगे, कहाँ होंगे, वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि वहाँ का टेरेन क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्योंकि क्लाइमेट से कनेक्ट होगा वेजिटेशन, वेजिटेशन कहाँ फिर वहाँ जा रहा है, वेजिटेशन फिर हज़ारों साल के बाद कोयला बन रहा है, काफ़ी चीज़ें इस पर निर्भर करेंगी। एल्टीट्यूड टेम्परेचर चेंज हो जाता है ऊंचाई के आधार पर, तो उतना वेजिटेशन कम हो सकता है, उससे कनेक्टेड आप देखोगे कि आगे की अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बदल जाए। ऊंचाई पर हो सकता है कि उतना ज़्यादा आप इस्तेमाल ना कर सको सूर्य की ऊर्जा का, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज़ कि आप कई बार जैसे अब आयरन ओर निकला, तो आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा है, वो कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसको मतलब फॉर एग्जांपल निकालना सीखा, निकालने के बाद उससे उसका रूप बदला, उसको प्योर फॉर्म में लिया और उसको यूज़ करने लायक बनाया, तो वो अपने आप में एक रिसोर्स बन गया, उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी। तो जब आप किसी चीज़ की यूटिलिटी यूजेबिलिटी जब बढ़ा देते हैं, तो वो और रिसोर्स जो है और ही ज़्यादा मतलब एक रिसोर्स के डेफिनेशन को सही मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में नो डाउट और उस रिसोर्स को आगे लेकर जाती है। ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत वही बातें आती हैं कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, उस रिसोर्स का एक तरह से अपने स्किल्स का, नॉलेज का यूज़ करके उसको कितने बेस्ट लेवल से जो है यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जनरली ह्यूमन रिसोर्स जो है एक स्पेशल रिसोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये फॉर्म बदल सकता है रिसोर्सेज के अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बातें थोड़ी सी अपने को ध्यान रखना है। मतलब क्या, यदि आप क्वालिटी जो है स्किल्स की क्वालिटी यदि बढ़ाएंगे लोगों की, रिसोर्स आपके पास ह्यूमन रिसोर्स जितना बेहतर होगा, उतना ही आप कह सकते हैं कि आप एक तरह से और ज़्यादा रिसोर्स बनाने में सक्षम होंगे। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो भी कैसे, नॉट अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड, आप तो स्किल्ड बनाइए सर, ठीक है। तो टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस, ये चीज़ मेन चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा भाग था कि कंजर्वेशन वाला, सही बात है, यदि आप इसकी केयरलेस यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, यदि आप उस चीज़ को जो है नो डाउट आगे के लिए यदि नहीं बचा के रख रहे हैं, तो ऑफकोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट या नो डाउट आप सस्टेनेबल वाली चीज़ों पर कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो एक सस्टेनेबल वर्ड यहीं से निकल के आता है कि जो रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये इनका आगे तक, आगे की जनरेशन तक ये सब चीज़ें पहुँचे, इसलिए इसका कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो इट मीन्स दैट कि आपको फ्यूचर जनरेशंस के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, और आज की तो आज की प्रेजेंट नीड को ध्यान रखना है, वो भी होती रहे, और आगे की जो है ज़रूरतें वो भी पूरी होती रहे। जी हाँ, मतलब वो नहीं कि अगर एक ट्री भी यदि आपका रिसोर्स है, तो कल ये ना हो कि ट्री के एक इमेज बनानी पड़ जाए। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि आप यदि डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तो ऐसा करो जो धारणीय हो, लंबे समय तक चले, ऐसा ना हो कि पूरे संसाधन जो है वहीं एंड हो जाए। मतलब क्या, हर जीव के प्रकार, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो भी नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है, नो डाउट उसकी केयर करना ज़रूरी है। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी आपको बढ़ानी होगी इन टर्म्स ऑफ, चाहे आप एजुकेशन के बारे में बात करें, क्योंकि नो डाउट एजुकेशन मैटर करेगा यहाँ पे, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ या जो नेचुरल या नेचर रिसोर्स जो है वो है क्या, उसकी उपयोगिता क्या है, या एनसीईआरटी में जो चीज़ लिखा है वो समझेगा कौन, या उस चीज़ को अमल कौन करेगा, आफ्टर ऑल एजुकेशन ज़रूरी है। तो ये जो पृथ्वी की डाइवर्सिटी है कि इतने मिनरल्स मिल रहे हैं हमें, ये चीज़ मिल रहे हैं, इनको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं लगता आपको कि कम्युनिटी पे जानी चाहिए बात, पर्सनल एटीट्यूड पर बात आती है कि आप अपनी सोच पर कहाँ तक किस चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। जी हाँ, तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पता है, इससे ना अपने को मेंस आंसर राइटिंग में एक बात और क्लियर होती कि आप कोई भी चीज़ ध्यान रखना, मेंस आंसर राइटिंग में यदि एंडिंग में कम्युनिटीज़ पर ले जा रहे हैं, तो आपका आंसर सही जा रहा है। मतलब क्या, कुछ भी जनरली आपसे सजेशन लिए गए किसी भी चीज़ में, मान लीजिए वाटर मैनेजमेंट, फ्लड मैनेजमेंट, ड्रॉट मैनेजमेंट, ऐसा नहीं लगता कि आखिर में आकर कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा। आप लिख तो देते हैं सरकार ने किया वो किया, सरकार क्या है, मतलब आफ्टर ऑल कम्युनिटी तो आई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। बहुत बेसिक बातें समझाई हैं इन्होंने कि रिसोर्स होते क्या हैं, लेकिन बिलीव मी आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। बहुत ही बेसिक चीज़ थी, काम की चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस करी है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहते हम लोग कि कितने लोग हैं जिनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है एक्चुअल में, जो स्किल्स हैं, जो एक्चुअल में आपके ये नॉर्मल जो रिसोर्सेज के फॉर्म्स बदल सकते हैं, नए रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। नए रिसोर्स को जनरेट करने से मेरा मतलब ये है कि आपको, अब जैसे बोला कि भाई BS6 इंजन्स ले आए, मतलब क्या है, ये वो एनर्जी है, मतलब एक वो इंजन है, या नॉर्मल एक ऐसा रिसोर्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में एटलीस्ट उतना कोयला, और यह जो आप कह सकते हैं कि उतना फॉसिल्स जो है फ्यूल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। मतलब क्या, आप फॉर्म चेंज कर रहे हैं, आप यूजेबिलिटी उसकी बढ़ा रहे हैं,
और एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप एफर्ट लगा रहे हैं कि कैसे भी जो है एनवायरनमेंट जो है वो भी कंजर्व हो, नेचुरल रिसोर्स जो है वो कंजर्व हो, ये सब चीज़ें ठीक है। इंट्रोडक्टरी बेसिक चैप्टर है ये, जिसके बिना मान के चलिए कि आप आगे के चैप्टर्स नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें यू कैन यूज़ दिस कोड SGYT10। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जी हाँ, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जी हाँ, तो SGYT10 इस सब्सक्रिप्शन कोड का आप इस्तेमाल करें, और ताकि आप कौन अकेडमी पर जो है कंप्लीट आप लर्निंग ले सको। साथ में आपको कौन अकेडमी की ओर से बुक्स भी मिल रही हैं, नए बैच 25 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसको आप लोग जो है एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन तैयारी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल का भी बैच आपके लिए अवेलेबल है। SGYT10 का आप इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।